सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है बहुत ही बड़ा बदलाव। शो में आने वाला है 3 महीने का लीप, और लीप के बाद अभिरा अरमान सहित रूही रोहित की भी जिंदगी बदल जाएगी। जी हाँ, ये 3 महीने का लीप इसलिए लाया जा रहा है ताकि शो को एक बड़ा मोड दे सके, और इसी के चलते मेकर्स ने डिसाइड किया है कि शो में अब आने वाला है 3 महीने का लीप, जिसके बाद आप सब देखने को मिलेगा। विद्या अभी भी अभिरा से गुस्सा है और वो अभिरा से नफरत करती है, लेकिन अब रूही और अभिरा का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही सुधर गई है, और रूही पहले से बहुत ज़्यादा कोशिश करती है ताकि वो अभिरा से एक अच्छी बॉन्ड बना सके। और उसी के साथ घर में आने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, और रूही तो रूही का बच्चा आने वाला है पोदार परिवार में, जिसके बाद विद्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अरमान और अभिरा का रिश्ता पहले से उलझा हुआ है, और जब अभिरा ये सब देखेगी कि विद्या कैसे रूही की नज़र उतार रही है तो अभिरा को बहुत ज़्यादा दुख होगी, लेकिन वो रूही को ये कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ। और आप देखने वाले हैं आगे के एपिसोड में, जहाँ पर अरमान जो है वो आगे बढ़कर अभिरा का साथ देने वाला है। आगे के एपिसोड में आप सब देखेंगे अब रूही और रोहित बच्चे की तैयारी में लग जाएंगे, और ये सब देखने के बाद अभिरा और अरमान बहुत ही सैड फील करने वाले हैं, और विद्या उसके साथ अभिरा को अब ताने भी मारने वाली है अभिरा के रूही के साथ अभिरा को कंपेयर करके। और उसी के साथ अभिरा और अरमान की रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। जी हाँ, अब अरमान काम में बिजी रहने लगेगा और वो अभिरा को जरा सा भी वक्त नहीं देगा, और दोनों के रिश्ते में आ जाएगी बहुत बड़ी दरार। तो आगे देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, कैसे अभिरा अपने परिवार के साथ विद्या के गुस्से को कैसे शांत करती है, और कैसे वो अपने और अरमान के रिश्ते को बचाती है। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है, आप इस बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।